बॉलीवुड के बैड बॉय सलमान खान पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। ये गंभीर आरोप लगाए हैं सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने। सोमी अली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सलमान ने 8 सालों तक उनका शोषण किया, उनके साथ मारपीट की और वो गाली गलौज भी किया करते थे। जब से सोमी अली ने पोस्ट शेयर किया है तभी से सोशल मीडिया पर इसी के चर्चे हो रहे हैं। 8 साल तक किया मेरा शोषण, बंद कमरे में करते थे मारपीट, बाहर खड़े होकर नौकर भी लगाते थे बख्श देने की गुहार, फाउंडेशन से छुपाती थी शरीर पर लगे चोट के निशान। ये वो गंभीर आरोप है जो बॉलीवुड के भाईजान और सुल्तान सलमान खान पर लगे हैं। इन आरोपों को लगाने वाली सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली है। यूं तो ये पहली बार नहीं हुआ है जब सोमी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सलमान पर कोई आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी वो कई बार एक्टर के खिलाफ बोल चुकी है, लेकिन इस बार सोमी ने सलमान पर जो आरोप लगाए हैं वो इतने संगीन हैं कि इनके बारे में सुनकर कोई भी कांप उठेगा। एक पोस्ट के जरिए सोमी ने अपना दर्द बयां किया है। इस पोस्ट में उन्होंने बचपन में हुए शोषण से लेकर सलमान द्वारा किए गए उनके साथ मारपीट और गाली गलौज के बारे में डिटेल में बात की है। दरअसल पोस्ट की शुरुआत में सोमी ने अपने एनजीओ नो मोर टीयर्स के बारे में बात की है, जिसके बाद सोमी बताती है कि 5 साल की उम्र में पहली बार यौन शोषण का शिकार हुई थी। इसके बाद 9 साल की उम्र में उनके हाउस हेल्पर ने सोमी का यौन शोषण किया। 14 साल की उम्र में सोमी का रेप हुआ था। अपने साथ हुए यौन शोषण और रेप के बारे में बताने के बाद सोमी ने आगे खुलासा किया कि वो भारत में भी घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी। सोमी ने सलमान का नाम लिए बगैर लिखा, भारत में एक ऐसे शख्स ने मेरे साथ घरेलू हिंसा की जिसे मैंने 8 साल तक डेट किया। सोमी ने अपने अगले पोस्ट में खुलासा किया कि सलमान किस तरीके से उनके साथ मारपीट करते थे और उनके आसपास रहने वाला हर शख्स इसके बारे में जानता था। यहाँ तक कि एक बार तो सोमी की मेड नजमा तक ने सलमान से भीख मांगी थी कि वो सोमी को ना मारे। सोमी ने पोस्ट में लिखा है कि ये बहुत ही घिनौना था, क्योंकि ना सिर्फ सलमान बल्कि उनके आसपास रहने वाला, यहाँ तक कि घर में काम करने वाले तक जानते थे कि उसने मुझे फिजिकली अब्यूज किया। नजमा तक मेरे बेडरूम के बाहर खड़ी होकर भीख मांगती थी। सोमी ने पोस्ट में लिखा है कि ये बहुत ही घिनौना था, क्योंकि ना सिर्फ सलमान बल्कि उनके आसपास रहने वाले, यहाँ तक कि घर में काम करने वाले तक जानते थे कि उसने मुझे फिजिकली अब्यूज किया है। यहाँ तक कि मेरी नौकरानी नजमा तक मेरे बेडरूम के बाहर खड़ी होकर भीख मांगती थी कि वो मुझे ना मारे। वो मेरी चीख सुनती थी और रो रो कर उसे ऐसा ना करने को कहती थी। सोमी ने आगे खुलासा किया कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है जब सलमान की पिटाई से उनके शरीर पर निशान बन जाते थे और इन निशानों को छुपाने के लिए सोमी के मेकअप आर्टिस्ट ढेर सारा फाउंडेशन यूज किया करते थे। सोमी ने लिखा कि उस समय मेरे मेकअप आर्टिस्ट अजय शैलार को मेरी गर्दन और कई जगह पर फाउंडेशन लगाकर चोट छिपाने पड़ते थे। जब मैं स्टूडियो जाती थी तो प्रोड्यूसर मेरी चोट को नोटिस करते थे और अजय से ठीक करने को कहते थे। सोमी ने ये भी लिखा है कि वो अकेली ऐसी नहीं है जिनके साथ सलमान ने ऐसा किया है। सोमी ने ऐश्वर्या राय का नाम लिए बिना लिखा है कि कईयों ने तो एक्टर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।